हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यामाहा मोटर ने अपने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक स्कूटर ईएमएफ को लॉन्च किया है। अगर इसके लुक की बात करें या फिर इसके फीचर्स की बात करें, सभी फ्यूचरिस्टिक हैं। काफी यूनिक डिजाइनिंग भी देखने को मिल रही है और कंपनी ने गोगोरो नेटवर्क से कोलैब करके इसको लॉन्च किया है। और गोगोरो कंपनी जो कि स्मार्ट बैटरी स्वैपेबल प्लेटफॉर्म पे काम करती है, तो इसके डिजाइनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे इसमें फ्रंट एप्रोन पे आपको डुअल एलईडी हेडलैम्प सेक्शन देखने को मिल जाती है। काफी यूनिक यहाँ पे डिजाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको फ्लैट हैंडल बार्स भी देखने को मिल जाता है। कोई भी फ्रंट पे वाइजर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ इसमें आपको सिंगल पीस सीट मिल जाएगी और इसके फ्लोर बोर्ड पे आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है फ्लोर बोर्ड पे, जहाँ पे आपको स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा पीछे कोई भी ग्रेव रेल नहीं दिया गया है, तो काफी यूनिक इसकी डिजाइनिंग बनाई गई है। तो इसके फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एलईडी डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, जो कि यामाहा वाइक कनेक्ट मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ आती है। इसके अलावा इसमें स्मार्ट की कार्ड दिया गया है, जिससे कि स्कूटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं इस कार्ड की मदद से। अगर इसके स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको मिड माउंट मोटर मिल जाता है, जो कि 7.6 किलोवाट का पावर और 26 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। और ये स्कूटर 0-50 केएमपीएस तक रफ्तार 3.5 सेकंड में पकड़ लेती है। हालांकि इसकी रेंज क्या है और इसकी टॉप स्पीड क्या होगी, ये जानकारी ने अभी तक नहीं बताया है। लेकिन गोगोरो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पर इसकी बैटरी को फुली बैटरी के साथ आप स्वाइप कर सकते हैं। तो इसके फ्रंट और रियर में 10 इंच का टायर दिया गया है, जहाँ पे आपको फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। तो इसकी सीट हाइट 785 mm है और इसका जो कर वेट है 114 kg तक है। तो इसमें ऑयल सील चैन लगा हुआ है, ये बेल्ट पे काम नहीं करती है। और इलेक्ट्रिक सेगमेंट पे चैन पे वर्क करने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में सिंपल एनर्जी भी अपनी लाने वाली स्कूटर में यूज कर रही है। और प्राइस की बात करें तो फिलहाल इसको इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च नहीं किया गया है, इसको ताइवान मार्केट के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें कंपनी 3 कलर ऑप्शन साइलेंट ब्लू, डार्क ब्लैक और डार्क ग्रीन शामिल की है। और प्राइस की बात करें तो न्यू ताइवान डॉलर में इसकी प्राइस 99,800 तक है, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से 2.68 लाख रुपीस यानी कि 268,000 रुपए तक इसकी प्राइस है। लेकिन इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो इतनी प्राइस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय अगर आपको इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक सेगमेंट में स्कूटर लॉन्च करते हैं तो मैक्सिमम प्राइस 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके हिसाब से अगर इंडियन मार्केट में ऐसी कुछ यामाहा की स्कूटर लॉन्च होती है तो प्राइस क्या होनी चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आप भी यामाहा कंपनी के इलेक्ट्रिक सेगमेंट में स्कूटर या फिर बाइक को इंडियन मार्केट में देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये नए लुक के साथ आपको फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक स्कूटर यामाहा की कैसी लग रही है, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।